7.6 क्लास 12 जो पार्ट टू, इसमें क्वेश्चन 11 से लेकर 24 तक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11th क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात सुनो यार जरा, कॉस इनवर्स एक्स को अगर लेट करते हैं और कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो रूट में माइनस वन अपॉन होता है ना, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लेट कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लो टी। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स का टी का होगा डी टी ओवर डी एक्स, और ये डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो डी एक्स बराबर माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, क्लियर है। चलो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये कितना होगा भैया, अब देखो ये एक्स, ठीक है जी, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेट किया टी अपॉन रूट में कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी टी, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये माइनस को मैं लिखता हूँ बाहर, अंदर कितना बचा एक्स टी और डी टी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या, जो इंटीग्रेशन है ना इसका जो एलिमेंट है वो टी के रेस्पेक्ट में, और ये फंक्शन किस में एक्स में, तो एक्स को भी टी में चेंज करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स अगर टी है तो यार एक्स बराबर क्या होगा कॉस टी, क्लियर है। तो क्या मैं एक्स की जगह कॉस टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बस ठीक है, अब लगा देंगे आईलेट, एक फंक्शन टी है और एक फंक्शन क्या है कॉस टी है, तो आईलेट क्या कहता है, आईलेट हमारा कहता है पहले इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो टी है ये एल्जेब्रिक होगा, ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री, तो ये पहले आ रहा है ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए तो रूल कहता है भैया फर्स्ट वाले को लीव करो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। चलिए अब देखो ये t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस, देखो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा वन, और cos t का कितना होगा इंटीग्रेशन sin t और dt, वन को लिखो या फिर मत लिखो, हो गया t sin t माइनस, अच्छा sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का cos t प्लस का c। अब वैल्यू पुट करो, t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक है, इनटू साइन टी। अब देखो यार कॉस टी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो साइन टी क्या होगा, मैं साइड में कई बार बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है वन, तो साइन स्क्वायर टी बराबर होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, और स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो साइन टी की जगह लिख सकते हैं रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी कितना भैया एक्स, और प्लस चेक करना जरा आंसर, चेक करो जरा आंसर, कॉस इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, कहाँ पर किस पे में माइनस आ रहा है, कहाँ माइनस का था, ओ हो 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 ये भी तो यार मैंने सही बात है भैया, ये तो चलेगा ही ना, ये क्यों नहीं लेके चले हम लोग, ये तो चलेगा ही, बहुत बढ़िया सही राउंड चेक करा लिया, ये तो चलेगा ना माइनस का साइन, हाँ ये तो चलेगा ही भैया, तो ये चलो ये तो ठीक है, तब ये पूरा क्या आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा बस, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हटा दो इसको आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यार ये हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो रूल क्या था फर्स्ट को छोड़ भैया सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास क्या होगा डी एक्स। चलिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ये आपको पता होना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और sec स्क्वायर का क्या होगा 10x, 1 को लिखो या मत लिखो हटाओ से dx, ये हो गया x डॉट 10x माइनस, अच्छा 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, log sec x, देखो या तो इतना छोड़ के आ जाओ या फिर इसका आंसर हो सकता है ये भी मिले
प्लस कर देंगे log cos x, एक ही बात है, क्यों sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos, cos ऊपर जाएगा cos की पावर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना भी छोड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। sec का उल्टा क्या होता है cos, जब cos आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। चेक करो आंसर, नीचे वाला है ना, हाँ तो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, समझ, ये आप समझे ना प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक बात सुनो, चलो मैं समझाया तो log sec x को लिखेंगे 1 अपॉन cos x, ये log cos जब ऊपर जाएगा तो cos की पावर माइनस 1, और जो ये माइनस ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है, और जब log में जो पावर होती है वो कहाँ पर आती है, आगे आ जाती है, ये बात है, इसलिए। चलिए अच्छा, अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x, अभी और तो कुछ नहीं दिया गया, तो क्या मैं इसको 1 डॉट करके लिख सकता हूँ, 1 इंटू टेन इनवर्स x, तो ये इनवर्स वाला फंक्शन आईलेट में इनवर्स पहले आता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो फर्स्ट वाले को लीव करो, और ये 1 डी एक्स माइनस जिसको लीव किया उसका डिफ्रेंसिएशन, और ये 1 डी एक्स और ये डी एक्स। चलिए टेन इनवर्स x, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है जी, इसे ऐसे लिख दो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और 1 का इंटीग्रेशन x, क्लियर है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बच्चों वाला बन गया, अब तो ये x आगे लिख दो, और ये tan इनवर्स है, अब एक बात सुनो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करो, देखो ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, सिंपल चीज है, तो क्या लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करो, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर क्या हो गया, dt अपॉन 2x। चलिए अच्छा भैया, x डॉट tan इनवर्स x, अब देखो चाहिए x हो गया, इसको क्या लेट किया था t, और dx की जगह dt अपॉन 2x, तो एक x सही हो गया, या x डॉट tan इनवर्स x, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन t, तो x डॉट tan इनवर्स, अच्छा t का क्या होगा, log t प्लस c, अब t की वैल्यू पुट कर दो, t को क्या लेट किया था भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखना आंसर, ठीक है, सिंपल है ना, हाँ अभी सिंपल नहीं है इसके, अब तो हटाओ के। चलिए x डॉट log x होल स्क्वायर, तो देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये पहले आता है, और ये आईलेट में बाद में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, तो log x होल स्क्वायर को लीव करो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंस, तो वही लगते रहेंगे यार आईलेटी, बस इसमें ये हो गया, और इंटीग्रेशन x dx। चलो अब देखो log x होल स्क्वायर, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखो log x का डिफरेंशिएशन, तो इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में सेट कर लो, ये x है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो 2x, फिर log x का होगा क्या, 1 अपॉन x, क्लियर है। चलिए x का क्या होगा इधर, x स्क्वायर बाई 2, और ये एक 2 से एक 2 चला गया, एक x से एक x चला गया, ठीक है जी, तो ये log x होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाई 2, अब क्या बचा इधर, x इंटू log x, अब एक बार दोबारा से आईलेट फिर से लगा दो, क्योंकि ये एक फंक्शन आ गया और ये भी एक, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तब आईलेट लगता है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बस अब देखो log x होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन है, अब देखो फर्स्ट वाले को लीव किया इसका इंटीग्रेशन माइनस जिसको लीव किया उसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका x dx और ये dx। चलिए log x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x, अच्छा देखो x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, और इधर log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, और x का होगा x स्क्वायर बाई 2 dx, एक x चला गया, अब इसको तो ऐसी चेप दो, log x होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस, ठीक है जी, log x इंटू x स्क्वायर बाई 2,
अब देखो अंदर कितना बचा, x बचा, और ये 1 बाई टू, तो चलो बाहर ही लिख दो, 1 बाई टू बाहर लिख दो, और x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, बस ये कायदे में आंसर आ गया। अब माइनस की अगर अंदर एंट्री कराना चाहते हो, माइनस के अंदर एंट्री करा दो, और कुछ नहीं लॉजिक इसमें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, चेक करो आंसर एक बार, ठीक है। हाँ तो देख लो, क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या, सिंपल है ये, इसलिए आपको लग रहा होगा फास्ट है, अभी तो एक जैसी है ना वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, खुद से करना, वो एकदम 14 की तरह ही था, ठीक है। अब ये देखो, जब कभी भी e की पावर x वाले आपको इंटीग्रेशन के लिए आए, तो एक रूल है वो आपको पता रखना है, और वही 99% लगेगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब क्या हुआ इसका, अगर e की पावर x के साथ दो फंक्शन दिए हैं, अगर किसी एक फंक्शन का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, तो समझ लेना उसका आंसर होगा e की पावर x एफ एक्स। जैसे ये डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इसके दोनों तरीके से करके दिखा दूं, खैर ये एक नंबर का क्वेश्चन है, देखो और इंट्रो पार्ट में सारा प्रूफ बताया था इसका। अच्छा, e की पावर x है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस इधर लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर x साइन x प्लस सी, एक तो ये हो गया। अब आप कहें सर ये बाई चांस उन्होंने 3 मार्क्स में दे दिए, फिर हम कैसे करें, तो यार चलो फिर ये फिर पूरा ऐसे ही करेंगे, e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉस, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। चलिए अब एक काम करो, यहाँ पे लेट करो e की पावर x साइन x को लेट करो। चलिए अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन e की पावर x को छोड़ा, साइन x का कॉस x प्लस साइन x को छोड़ा, और e की पावर x का e की पावर x, यस और नो, तो dx की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। चलो ये अब यहां रखते हैं, देखो e की पावर x साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये तो मैंने ये लिख दिया, और डी एक्स की वैल्यू ये रही, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये कैंसिल हो गए, अंदर कितना बचा होगा, वन वन डॉट डी टी, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस सी, और टी किसको लेट गया था, इसको लेट गया था, आ गया आंसर। तो ऐसे करके आ जाओ, अदरवाइज का डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये तो रूल है, मतलब कि e की पावर x के साथ जो फंक्शन दिया है, कि अगर किसी एक का भी आपने डिफरेंशिएशन किया, दूसरा वाला मिल जाए, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन अब यहां बड़ा मजा आने वाला है, यहां कहीं कहीं क्या होता है कि मिल जाएगा सीधे, जैसे यहां मिल गया था sin x का डिफरेंशिएशन करो, cos x मिल जाएगा, हर बार नहीं मिलेगा ना इतनी आसानी से, तो वहां जुगाड़बाजी करें। देखो अब e की, इससे थोड़ा मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूं ऐसे, e की पावर x x अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मान लो इस तरीके से ही है, ठीक है। अब देखो e की पावर x तो है, अब किसका डिफरेंशिएशन करें भैया, दूसरा मिला नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगी, जुगाड़बाजी होगी, तो वो जुगाड़बाजी देखो क्या होगी, e की पावर x, अच्छा देखो यहाँ क्या x प्लस वन है और ऊपर क्या है x, तो क्या मैं जुगाड़ करके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x को x प्लस वन माइनस वन, और नीचे कितना है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया डी एक्स। अब देखो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, जैसे अगर कहीं पे लिखा है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, तो इसको ए बाई टू प्लस बी बाई टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे ही इसको एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक से एक ये कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा, वन प्लस एक्स, क्लियर है। अब एक बात सुनो, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो यही मिलेगा, आप करके देख लो, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डियर, आपको यही मिलेगा। अब आपको डिफरेंशिएशन तो यार करना आता होगा, डिवाइड रूल से कर दो, क्वेश्चन रूल से, यही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी, क्या डिफरेंशिएशन, हाँ क्या वो डाउट है, डिफरेंशिएशन बताना है क्या इसका, देखो अगर बताना पड़ा तो बेटा बेकार है, फिर इसको लिख दो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, इसको थोड़ी देर को समझ लो कि ये एक्स है, एक्स की पावर माइनस वन होता है माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू,
एनएक्स एन माइनस वन, ये तो होता है, तो माइनस वन और ये हमारा क्या होगा, ये नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना लेट गया था, वन प्लस एक्स, तो देखो भैया यही तो आ गया। ठीक है जी, तो इसमें जुगाड़बाजी कर ली, अगर नहीं मिला वैसा तो हमने क्या किया, जुगाड़बाजी कर ली। देखो जरा कोई डाउट है तो ऐसे, अब इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो ये भी e की पावर x के साथ मिला है, तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, देखते हैं कैसे, ठीक क्या सेम लॉजिक है इसका भी। देखो e की पावर x, क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ इस तरीके से, और अब ये थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर 3 का बन गया, कैलकुलेशन हल्की फुल्की। अब देखो क्या है, थोड़ा बता दें, कॉस के साथ चार फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2x के होते नहीं होते, तो ऐसे फॉर्मूले आप लगाओ जिससे ये वन हट जाए। तो देखो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। अब क्यों लगाया, क्यों ये माइनस वन से ये प्लस वन हमारा शहीद हो जाएगा, क्या जमगा, और ऊपर गैस, हाँ हाँ, तो कॉस टू एक्स का होता है डिवाइड बाई हो जाएगा, हाँ ये कॉस टू एक्स का था, ठीक सही कह रहे हो। ऐसे ही साइन एक्स का क्या होगा, टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस, बस आ गया। ये इलेवन, इतना क्वेश्चन इलेवन क्लास का है, आर डी शर्मा में आपको मिलेगा, एन सी आर टी में शायद नहीं है ये। तो देखो ई की पावर एक्स वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन, प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस, ये टू से ये टू, एक कॉस से एक कॉस, क्लियर है। तब देखो ई की पावर एक्स इधर कितना बचा, वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, इधर कितना बचा, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स वाई टू। अगली लाइन में आंसर देखो कैसे, टेन एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, आप करके देख लो। चलो मैं साइड में आपको बता देता हूँ कि टेन एक्स वाई टू का कैसे आएगा, तो डी वाई ओवर, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स वाई टू का क्या होगा वन वाई टू, पक्की बात है। अच्छा सेक सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है कॉस, तो ये टू तो है ही, इसको क्या ये लिख सकते हैं, और देखो यही तो है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या ये नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे आंसर, ए की पावर एक्स टेन एक्स वाई टू, आंसर चेक करो, पक्की बात चेक कर लो, यही होगा, हाँ तो भी इस टाइप का था। आ जाओ भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तो यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो कैसे, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सिंपल सा आंसर आ गया इसका, ये एक नंबर में आएगा, बात खत्म करो। ये देखो अच्छा कि हाँ, यहां पे एक चीज बताऊंगा, देखो ई की पावर एक्स, इसको इसको इस तरीके से लिखो, ई की पावर एक्स अंदर कितना एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन की पावर, इस तरीके से लिख लिया, सेपरेट कर लो ई की पावर एक्स को, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब नीचे कितना एक्स माइनस वन, ऊपर कितना एक्स माइनस थ्री, तो इसको ऐसे लिखो एक्स माइनस वन और माइनस का टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिवाइड इसके साथ भी कर दो, कर सकते हैं ऐसे, चलो डायरेक्ट लगेगा बच्चों को, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन की पावर थ्री माइनस टू अपॉन, देखो x माइनस वन की पावर थ्री नीचे ऊपर एक है, तो ये हट जाएगा, कितना बचेगा नीचे टू बचेगा, e की पावर x वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, करके देख लो इसका, अगर इस पूरे का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये निकल गया, तो सिंपल सा आंसर क्या आ गया, और आप बोर्ड में भी ऐसे करके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चेक करो आंसर, आंसर चेक कर लिया आपको, क्योंकि कभी जैसे सही है ना, हाँ कोई माइनस प्लस मिस्टेक ना हो जाए करे। आ जा भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। e की पावर देखो x है, एक्सपोनेंशियल है, सबसे एंड में आएगा साइन x, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आएगा फर्स्ट और सेकंड। हाँ e की पावर x में इसको अगर फर्स्ट लोगे सेकंड लोगे आंसर तो भी आएगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है। चलो फर्स्ट वाले को लीव किया,
और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको लीव किया है उसका डिफरेंशिएशन, और e की पावर 2x dx। चलिए अब देखिए साइन x हो गया e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x होता है, फिर 2x का 2 होता है वो डिवाइड में आता है। चलिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये क्या होगा e की पावर 2x अपॉन 2, और ये d, इस 2 को यहाँ से हटाओ और बाहर लाओ। चलिए साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/2। अब देखो कोई वाली बात है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, चलिए फर्स्ट वाले को लीव करो, e की पावर 2x dx माइनस, जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, और e की पावर 2x dx, बस लेंथ ही है यार और कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल है, देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है ये। ठीक है यहाँ तक तो सेम हो गया। अब देखो चलो cos x e की पावर 2x से e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस तो ये क्या हो जाएगा sin x, और e की पावर 2x से e की पावर 2x अपॉन 2 dx, ये वाला 2 हटाओ और इधर लगाओ। क्लियर है? अब देखो यार sin x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ये वाला यही तो क्वेश्चन था। अगर मैं इसको i कंसीडर कर लेता, मान लो ये i है, ये सब i चल रहा है, क्या मैं यहां पर i लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो कैसे करेंगे, i इक्वल्स टू साइन x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अच्छा ये जो 1/2 इसका मल्टीप्लाई पूरे में है, तो चलो भैया करो, तो ये माइनस का 1/2 ये भी तो है इसके साथ, तो 1/4 हो जाएगा ये, तो 1/4 cos x e की पावर 2, ऐसा इसका इसके साथ होगा, तो ये माइनस का 1/4 और ये क्या है आई है, पक्की बात है, तो ये माइनस का 1/4 आई इस तरफ आ जाएगा, तो i प्लस 1/4 i। क्लियर है? तो ये होगा देखो e की पावर 2x दोनों से कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 2x कॉमन लो, कितना आएगा sin x अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 4। ठीक है जी। अच्छा i में अगर ये ऐड करेंगे तो इधर लिख लेते, चलो इतना i प्लस 1/4 क्या है 5i अपॉन 4, 5i अपॉन 4, ये कितना है e की पावर, अगर देखो यार लेना चाहो तो 2 भी कॉमन आ रहा है, लेना चाहो तो, वो तो आपके ऊपर है। sin x अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन, कायदे में हमको तो आई निकालना था ना, 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 से क्या होगा डिवाइड, तो 4 e की पावर 2x अपॉन 5, आंसर चेक करो क्या हुआ, बस 2 कॉमन ले लिया होगा इन्होंने और क्या रहा होगा, e की पावर 2x अपॉन 5, ठीक है 2 sin x माइनस cos x प्लस 2 sin x, हाँ यार सही तो है, आप यहां से 4 कॉमन लो, चलो ए यार तुम लोग भी ना गलत बात है, मतलब वो ही चाहते हो जो वो लोग चाह रहे हैं, देखो ये है यहां से 4 कॉमन लो, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस, 4 से 4 सही हो गया ये, तो देखो आप यार पता है अगर एक आंसर ये भी सही है ये भी सही है दोनों सही है, कैलकुलेशन वो तो आपकी श्रद्धा है। क्लियर है? थोड़ा लेंदी लग रहा है क्या, लेकिन है बहुत बच्चों वाला आसन, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आ जाओ चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार अब साइन इनवर्ट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या तो भैया एक तरीका ये है कि 1 डॉट करके कर लो, 1 डॉट इसको फर्स्ट और सेकंड करो, बड़ा लेंदी होगा, सिंपल तरीका क्या है, ये सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कुछ ऐसा इसको करो कि ये साइन की फॉर्म में आ जाए, साइन से साइन हट जाएगा हमारा, तो एक काम करो यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह टेन थीटा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका होता है sin 2 थीटा, ठीक है भैया चलो आ जाओ ऐसे करिए, तो हो जाएगा ये sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx, तो ये देखो ये कितना हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin हट गया, कितना है 2 थीटा इंटू
dx. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फंक्शन हमारा इन द टर्म ऑफ थीटा और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल क्या x है, तो कैसे करेंगे, अब जुगाड़बाजी करेंगे. देखो क्या जुगाड़बाजी, x बराबर tan थीटा है, तो ऐसा करते हैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो x का तो भैया 1 हो जाएगा ये, ठीक है. tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन dx. तो ये जो dx है इस तरफ आ जाएगा, यहां से हट जाएगा. तो क्या हम dx की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ये 2 को लो बाहर, थीटा और ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब या फिर से पूछ देखो, हां थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कर दो. हाँ बिल्कुल, फिर टेन इनवर्स एक्स का बिल्कुल वो भी कर सकते हो, ठीक है. तो अब सुनो जरा, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड. अब यार फिर से बताऊंगा इसका, चलो देख लो जल्दी से. टू जो पहला इसको छोड़ा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस जिसको लीव किया था उसका डिफ्रेंशिएशन और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. चलिए तो टू तो ये है ही बाहर, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, हाँ ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, क्योंकि भैया एक्स ही एक्स पढ़ते आए, ये तो होता है. अच्छा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा. अच्छा थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में बन, और ये कितना टेन थीटा डी थीटा. चलो ये टू थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस सी. क्लियर है, अब टू से मल्टीप्लाई करो, टू थीटा टेन थीटा माइनस का टू लॉग सेक थीटा प्लस का टू सी. ये तो कॉन्स्टेंट है, कुछ भी कर दो बाद में. अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो बस. हाँ भैया थीटा क्या था हमारे पास, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा कितना एक्स माइनस टू लॉग सेक थीटा. अच्छा एक बार अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि सेक थीटा क्या होगा. एक बात बताओ यार, टेन थीटा अगर एक्स है तो सेक थीटा क्या होगा. एक बात सुनो जरा, सेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आएगा अंडर रूट, तो सेक थीटा की जगह रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर. आंसर चेक करिए प्लस का सी वन, सही है ना. अब सी यहाँ पे दिखा दो, वेयर सी वन इक्वल टू टू सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल है. चलो अब देखो हटाओ इसे आ जाओ. चलो अब तो ये दोनों बच्चों वाले क्वेश्चन देखो. इसमें क्या है भैया, एक्स क्यू को लेट करो, एक्स क्यू को लेट करो टी, और ये कितना जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर. चलिए ये एक्स स्क्वायर, इसको ये टी लेट किया, डी एक्स की जगह डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर चला गया, वन अपॉन थ्री आ गया ई की पावर टी और डी टी. अच्छा ई की पावर टी का क्या होगा, ई की पावर टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू पुट कर दो बस, टी की वैल्यू क्या थी चेक करो. चलो अब ये देखो यार, जब e की पावर x का कंसेप्ट मिले तो वही वाली बात है, कुछ लॉजिक लगाते हैं. मैंने क्या बोला, e की पावर x से एक तरफ करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो sec x और sec x इंटू टेन एक्स. अच्छा sec x का डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा e की पावर x और ये sec x प्लस c, खत्म होगी 7.6. अब 7.7 देखें इंट्रो पार्ट.